नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की रहने वाली 93 साल की एक बुजुर्ग महिला को अपना खोया हुआ परिवार फिर वापस मिल गया। पंचूबाई नाम की ये महिला 43 साल पहले अपने घर से बिछड़ गई थी, जो गूगल और व्हाट्सएप की मदद से दोबारा अपने परिवार से मिल सकी। इस उम्र में अपने परिवार से मिलकर उसकी और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि पंचूबाई 43 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर दमोह के कोटा तालाब पहुंच गई थी। उस दौरान मधुमक्खियों के हमले से परेशान भटक रही पंचूबाई को नूर खान अपने परिवार ले आए थे। मुस्लिम बहुल गांव कोटा तला के लिए पंचूबाई इस दौरान मौसी बन गई। अपनी मौसी के लिए पूरा गांव फूट फूट कर रोया। दरअसल नूर खान के बेटे इसरार खान को पिछले महीने ही पता चला कि उनकी अच्छन मौसी महाराष्ट्र से हैं। इस पर खान परिवार ने सोशल मीडिया पर पंचूबाई के परिवार को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इसरार ने गूगल और व्हाट्सएप के जरिए पंचूबाई के पोते को ढूंढ निकाला। इसके बाद उनका पोता पृथ्वी कुमार शिंदे महाराष्ट्र से बुंदेलखंड खुद उन्हें लेने पहुंचा और अपनी 93 साल की दादी को अपने घर ले गया। नागपुर से दमोह आए पंचूबाई के पोते पृथ्वी कुमार शिंदे गांव वालों का प्यार देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, कोटा तला के गांव वालों का शुक्रिया कहना चाहूंगा। 43 साल तक हमारी दादी की सेवा की है। मुझे दुख तो हो रहा है कि दादी को यहां से लेकर जा रहा हूं, लेकिन खुशी है कि इन्होंने देखभाल की। अब ये मौका मुझे मिलेगा। गांव में किसी ने अपनी मौसी को नई साड़ी में तैयार किया, किसी ने गले लगाया, किसी ने हाथ चूमे, तो किसी ने माला पहनाई, तो किसी ने दुआ ली। मौसी कुछ कह रही थी, सबकी आंखें नम थी। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।